हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनी हेयर सलून। आज हमको बताने वाले शेविंग कैसे करते हैं। जिन भाई को शेविंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देख लेना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। आप शेविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम फेस वॉश कर लेते हैं, अच्छे शेविंग को गला लेंगे। शेविंग गलाते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे कि हम शेविंग करते हैं ना तो ये भी पता चल जाता है कि किसकी शेविंग हार्ड है, किसकी नॉर्मल है। तो ब्लेड चलाते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चेहरे को हम क्लीन कर लेते हैं टिश्यू पेपर से। शेविंग क्रीम को लगाएंगे, उसके बाद ब्रश पे जो है तीन उंगली रख के यूँ ब्रश चलाएंगे उससे, जैसे भी आप करते हैं अपने हिसाब से, ताकि शेविंग अच्छे तरीके से गल जाए और पानी थोड़ा जूस में छोड़ देंगे। पूरे जितनी शेविंग है उस पर पूरा ब्रश चलाते रहेंगे। और आपको ब्रश तब तक चलाना जब तक शेविंग अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो हमारी शेविंग जो है गल गई है। अब आपको ब्लेड लगा देना है उस्तरे में। उस्तरे को कैसे चलाना है चीज़ ध्यान रखना। स्किन को ना थोड़ा खींच के रखना है और उस्तरे को सीधा नहीं चलाना, थोड़ा टेपर करके चलाना है। थोड़ा चमड़ी खींची रहेगी तो उस्तरे चलाने में आपको कोई दिक्कत आसानी होगी। बिल्कुल बड़े प्यार से आराम आराम से चलाना है। देखिए अब यहाँ पे चमड़ी जो है ना बिल्कुल तान लेंगे, बिल्कुल खींच के पूरा वो करेंगे। जितनी चमड़ी खींची होगी उतना इस तरह चलाने में आसानी होगी। बड़े प्यार से आराम से ऐसे देखिए, इस साइड भी ऐसे चमड़ी पूरा खींच के रखेंगे। ये देखिए जितनी आप चमड़ी खींच के रखोगे ना बिल्कुल उतना बिल्कुल बड़े प्यार से बिल्कुल क्लीन बिल्कुल होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे खाल खींच लेना है। देखिए और उस तरह को बिल्कुल ना टेपर करके चलाना है, बिल्कुल सीधा मत करना, कट लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा ठुड्डी पे लोगों को कट मार देते हैं। देखिए ऐसे प्यार से दोनों तरफ खींच के उसको उस तरह से चलाना है। ये देखिए खाल को खींच के बिल्कुल चलाना उस तरह को, ताकि ओठ में लगने ना पाए। देखिए ओठ को पकड़ के ऐसे चला देंगे आराम से, इधर भी ऐसे। अभी हम सेकंड कोट करेंगे। ठीक है, ब्रश हम चला लें, स्प्रे हम लगा देते हैं। अब सेकंड कोट चलेगी। ये देखिए पूरा का खाल खींच के रखना है। देखिए और थोड़ा गर्दन झुका के बिल्कुल टेपर करके तिरछा करके निकाल देना इसे। किसी किसी थोड़ी शेविंग रह जाती है हल्की हल्की सी ऐसे। ये देखिए एक नीचे गर्दन उंगली रख के ऐसे बिल्कुल निकाल लेना है। शेविंग करना बहुत आसान है, लेकिन यह जिसको नहीं आती भाई उसके लिए दिक्कत है। ये कोई वो नहीं है, बहुत प्यार से करना आ जाएगा आराम से।
आराम आराम से चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग गले भी कट लगा देते हैं, इसलिए बड़े प्यार से करना खाल को बिल्कुल खींच के। ये हमारी सेविंग हो गई है, अब बोर्ड के पास जो चलाएंगे कैसे उस तरह देखिए, दोनों तरफ खींच के कर देंगे। जैसे वोट पड़ गया आराम से बड़े प्यार से कर लेंगे। भाई की जीरो मशीन चलाना है, जीरो कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे दोनों तरफ कलम पे, मूछ पे थोड़ी मूछ को सेट कर देंगे हल्का हल्का। और जिन भाई की बिल्कुल सेविंग करने नहीं आती है ना, सबसे पहले वो एक बैलून ले लेंगे, बैलून पे जो है सेविंग क्रीम लगा के उस पर उस तरह को आराम आराम से कई बार सुबह चलाएँगे, जो लगे हाँ कि मुझे सेविंग करना आ गया है, उसके बाद ही किसी के चेहरे पे जो है उस तरह चलाएं। क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी के चेहरे पे अगर चलाओगे तो कट लग सकता है ना। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चेहरे पे फेस मसाज कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद लगाएंगे फिटकरी। फिटकरी लगाने के बाद जो है स्प्रे करेंगे, इसके बाद टिश्यू पेपर से बिल्कुल साफ कर देंगे, दूसरा चेहरा क्लीन हो जाए। अब लगाएंगे आफ्टर लोशन, स्प्रे कर देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।